हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर द वेगा बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम रॉबर्ट लुइस स्टेफेंसन है। तो वेगा बॉन्ड का मतलब होता है आवारा, यानी कि वो पर्सन, यानी कि वो इंसान जो कोई जिसका कोई फिक्स्ड जगह ना हो, ठीक है, जो कि इधर उधर घूमता हो, यानी कि आवारा। तो ये जो पोएम है कुछ इस तरीके से शुरू होता है। जो पोएट है वो बता रहे हैं क्या कि उसे इस तरीका का ज़िंदगी चाहिए जिसमें कोई बंदिश ना हो, और वो ट्रैवल करना चाहता है, ठीक है, और पूरा दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो पोएम कुछ इस तरीके से शुरू होता है। गिव टू मी द लाइफ आई लव, टू द लेव गो बाय मी, गिव द जॉली हेवन अबव एंड द बाईवे नाइट मी, ब्रेड इन द बुशेस विद द स्टार टू सी, ब्रेड आई डिप इन द रिवर, देयर द लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी, देयर द लाइफ फॉर एवर। यानी कि ये पोएम में पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि जो वेगा बॉन्ड है, यानी कि जो आवारा है, वो चाहता है क्या कि वो ऐसा ज़िंदगी उसे मिले, ठीक है, जिसमें वो अनलिमिटेड ट्रैवल कर सके, यानी कि वो कहीं पर भी घूम सके और वो जहाँ चाहे वहाँ जाए और उसको कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो, माने कोई भी उसे रोके नहीं। और वो ये भी चाहता है क्या कि गिव मी द लाइफ आई लव, यानी कि मुझे वो ज़िंदगी दो जिससे मैं प्यार करता हूँ। यानी कि वो बता रहे हैं क्या कि उसे भौतिक दुनिया, यानी कि मटेरियल वेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है, ना मतलब बाहर का दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहता है क्या है कि वो बस घूमे, माने उसे आज़ादी चाहिए, पूर्ण आज़ादी जिसमें कोई तरह का बंदिश ना हो। लेट द लेव गो बाय मी, यानी कि वो चाहता है क्या कि उसका पास से, ठीक है ना, उसका पास से लेव, लेव का मतलब स्ट्रीम, यानी कि जो पोएट है वो बता रहे हैं क्या कि वो वेगाबॉन्ड जो है वो जाना चाहता है वो स्ट्रीम, यानी कि वो नदी, वो धारा का पास से। गिव द जॉली हेवन अबव, और वो चाहता क्या है कि जॉली, जॉली का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, खुशी, और हेवन का मतलब अब तो जानते ही, हेवन का मतलब है स्वर्ग, ठीक है ना। यानी कि वो चाहता है बहुत खुशनुमा आसमान उसका ऊपर हो, ठीक है ना, मतलब बहुत ही अच्छा आसमान हो उसका ऊपर, सफ़ा आसमान हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जॉली, जॉली हम लोग इंसान लोग के लिए यूज़ करते हैं, और हेवन क्या एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का बारे में, जब लिविंग थिंग को कंपेयर किया जाए नॉन लिविंग थिंग से, तो वो वर्ड को पर्सोनिफिकेशन हम लोग कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉली शब्द का इस्तेमाल किया गया, कंपेयर किया गया हेवन से, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। तो जो पोएट है वो बता रहे हैं क्या कि उसे एक खुशनुमा, एक बहुत अच्छा आसमान चाहिए। एंड बाय द वे ऑफ नाइट मी, यानी कि बाई वे का मतलब होता है एक छोटा सड़क, और नाइट का मतलब होता है नियर। तो वो चाहता क्या है कि एक छोटा सड़क से वो जाए, ठीक है। बेड इन द बुश विद स्टार टू सी, यानी कि पोएट जो है वो चाहते है क्या है कि उसका जो बिस्तर है वो एक झाड़ी पे हो, और वहाँ से उसको एक खुला आसमान दिखाई दे। यानी कि पोएट जो है वो चाहता है क्या है कि उसके लिए कोई बेड वेड ना, उसके उसका जो बेड है वो खुद बिस्तर जो है उसका वो बनाना चाहता है किसका ऊपर, पेड़ पौधा का ऊपर, झाड़ी का ऊपर, और जहाँ से वो खुला आसमान को देख सके, ठीक है। ब्रेड आई डिप इन द रिवर, और यहाँ पर उसको खाने के लिए मतलब कोई चाय, कोई कॉफ़ी का ज़रूरत नहीं है, उसको क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए जिसको वो रिवर में, यानी कि जिसको वो रिवर में डिप करके खा सके, ठीक है। देयर द लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी, देयर द लाइफ फॉर एवर। तो ये जो पोएट है वो चाहते क्या है कि वेगाबॉन्ड बता रहे क्या है कि वेगाबॉन्ड जो है वो चाहता है क्या, वो चाहता है कि ऐसा ज़िंदगी चाहिए उसको, ठीक है, और जहाँ पर उसको कोई बंदिश ना हो, उसको कोई रोके ना, और वो अपना लाइफ को एकदम फ्रीली जिए, ठीक है।
तो पार्ट टू कुछ इस तरीका से है, लेट द ब्लो फॉल सून और लेट, लेट व्हाट विल बी ओवर मी, गिव द फेस ऑफ द अर्थ अराउंड एंड द रोड बिफोर मी, वेल्थ आई सीक नॉट होप नॉर लव नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, ऑल आई सीक द हेवन अबव एंड द रोड बिलो मी। तो ये सेकेंड स्टैंसा में पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि उसे एक ऐसा ज़िंदगी चाहिए, यानी कि ये लाइन में वो बता रहे क्या है कि जो मौत है, ठीक है ना, जो डेथ है वो आज नहीं तो कल वो आ जाएगा, पर अगर नहीं भी आता है ना तो उसको एक रोड चाहिए, ठीक है, यानी कि उसका सामने एक रोड है जिसमें वो ट्रैवल कर सकता है पूरा दुनिया को, जिसमें वो घूम सकता है पूरा दुनिया को, और उसका ऊपर क्या है, खुला आसमान है। यानी कि वो ये लाइन में भी वो बता रहे हैं, ठीक है ना, कि मौत जो है वो आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा, बट वो जो है घूमना चाहता है, वो जो है फ्री रहना चाहता है, और उसे मालूम है कि वो जो रोड है, ठीक है, उसमें वो पूरा दुनिया घूम सकता है बिना किसी का बंदिश का, ठीक है, और उसमें एक खुला आसमान हो जिसका नीचे वो घूमना चाहता है। और वो ये बताते हैं क्या है कि उसे कोई वेल्थ, कोई होप, कोई लव कुछ नहीं चाहिए, यानी कि उसे कोई तरह का मोह माया ये दुनिया में नहीं है, जैसा किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को किसी का साथ चाहिए, तो उसको कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है ना, उसको कोई दोस्त नहीं चाहिए, उसको कोई भी नहीं चाहिए। वो चाहता है क्या है कि वो एक ही चीज़ चाहता है कि जब वो यात्रा में जाए, जब वो रोड में घूमे, ठीक है, तो उसको बस एक हेवन चाहिए, एक स्काई चाहिए और एक रोड चाहिए जिसको वो बस फॉलो करे, ठीक है। तो स्टैंजा थ्री कुछ इस तरीका से शुरू होता है, और लेट ऑटम फॉल ऑन मी वेयर अ फील्ड आई लिंगर साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री बाइटिंग द ब्लू फिंगर, और लेट ऑटम फॉल ऑन मी। तो यहाँ पर पोएट जो है वो कहना चाह रहे हैं कि भले ऑटम का महीना आ जाए, ठीक है, भले जितनी भी ठंडी आ जाए, वो अपना यात्रा को नहीं रोकना चाहते हैं, ठीक है ना, आ जाए, वेयर अ फील्ड आई लिंगर, अ फील्ड का मतलब होता है एक फील्ड यानी कि एक मैदान, और लिंगर का मतलब होता है क्या कि कुछ समय के लिए उस जगह पे रहना। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि भले ही सर्दी का मौसम आ जाए, भले ही कितनी भी ज़्यादा ठंड हो, वो एक मैदान में रह जाएंगे जहाँ पर कुछ दूरी में, साइलेंसिंग द बर्ड ऑन द ट्री बाइटिंग द ब्लू फिंगर, यानी कि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि जो बर्ड लोग हैं, ठीक है ना, यानी कि जो बर्ड लोग हैं वो ट्री में एकदम साइलेंट हो गया, एकदम खामोश हो गया, एंड बाइटिंग द ब्लू फिंगर, यानी कि जब ठंडा का मौसम में क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता ना बॉडी में, तो कभी कभी हाथ पैर जम जाता है, तो उसी को पोएट बता रहे हैं क्या, बाइटिंग द ब्लू फिंगर, यानी कि जब फिंगर जब ठंड का मारे ब्लू हो जाएगा, तो हम लोग कैसे उसको कटकटाते हैं ना दांत से, तो वैसे ही पोएट जो है वो बता रहे क्या कि भले ही ठंडा आ जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना यात्रा को कंटिन्यू करना चाहता है। वाइट एज मिल द फ्रॉस्टी फिल वॉर्म द फायर साइड हेवन, नॉट टू द ऑटम विल आई यील्ड नॉट टू द विंटर इवन। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बता रहे क्या है कि देखिए इधर पर मिल का मतलब क्या होता है, मिल का मतलब कोई सीरियल यानी कि राइस या वीट कुछ भी चीज़ जिसको हम लोग एकदम महीन दाना में पीस दे, ठीक है ना, तो यहाँ पर शायद वो ब्रेड का बात कर रहा है। तो वो बताता क्या है, वाइट एज मिल यानी कि वाइट है ब्रेड का जैसा द फ्रॉस्टी फील्ड, फ्रॉस्टी फील्ड मतलब मैदान जिसमें पूरा बर्फ भरती है। तो पोएट जो है वो बता रहे क्या है कि वो जो मैदान है वो पूरा रोटी का माफिक सादा होके, ठीक है ना, रोटी का माफिक सादा होके पूरा भर्ती हो गया, यानी कि बर्फ से पूरा भर्ती हो गया है। वार्म द फायर साइड हेवेंस यानी कि सेफ साइड, यानी कि पोएट जो है वो बता रहे क्या कि जब ठंडा का मौसम आ जाएगा तो वो अपना आपको एक फायर साइड यानी कि एक जगह जहाँ पर वो शांत से बैठ सके, ठीक है ना, शांत से बैठ के वो क्या कर सके, अपने चारों तरफ आग ही जला दे, ठीक है, यानी कि वो अपना आपको गर्म कोजी फील करना चाहता है ना, मतलब जैसे ठंडा का दिन में हम लोग क्या करते हैं, एक गर्म में रहना चाहते हैं, थोड़ा गर्म में रहना चाहते हैं ताकि हम लोग का बॉडी को ठंडा ना लगे, ठीक है। तो वैसे ही पोएट भी बता रहे क्या है, यात्रा करे तो वो चाहते क्या है कि वो चाहते हैं ये कि उसको एक कोजी, एक गर्म जगह मिले जहाँ पर वो अपना ठंडा को कटा सके।
नॉट टू द ऑटम आई ईल्ड नॉट टू द विंटर इवन। तो पोएट यहाँ बता रहे क्या कि जो वेगाबॉन्ड है वो ना ही ऑटम का महीना में चिल्लाएगा ना ही विंटर का महीना में चिल्लाएगा। ईल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, तो वो बता रहे क्या कि जो वेगाबॉन्ड है वो कभी भी नहीं चिल्लाएगा, मतलब कोई भी मौसम हो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई कंप्लेन नहीं करेगा, वो बस अपना यात्रा को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई पार्ट में डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये पोयम का लास्ट स्टैंजा है। लेट द ब्लू फॉल सून और लेट, लेट व्हाट विल बी ओवर मी, गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड एंड द रोड बिफोर मी। तो यहाँ पर भी सेम लाइन ही है, सेकेंड स्टैंजा वाला ही है, वही लाइन को पोएट बार बार रिपीट करे, यानी कि पोएट जो है हम लोग को बार बार एक ही चीज़ बताना क्या चाह रहे हैं कि भले मौत अभी आए या बाद में आए, यानी कि सूनर और लेटर माने अभी आए या बाद में आए, उसको उससे कोई चिंता नहीं है, उसको बस एक ही चीज़ चाहिए कि अर्थ अराउंड यानी कि एक खुला रास्ता चाहिए, ठीक है, जहाँ पर वो बस जा सके, वो बस घूम सके, और एक खुला आसमान चाहिए उसको। वेल्थ आई आक्स नॉट, होप नॉर लव नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, ऑल आई आक्स द हेवन अबव एंड द रोड बिलो मी। तो यहाँ पर भी पोएम सेम ही चीज़ बोल रहे हैं कि ना ही उससे दौलत चाहिए, ना ही किसी का प्यार चाहिए, ना ही किसी का मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई परिवार नहीं चाहिए, कोई दोस्त नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, वो बस अकेला अपना खुद का रास्ता को, खुद का यात्रा को तय करना चाहता है, मतलब उसको लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो साफ साफ बता दे रहे हैं कि लाइफ में उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस अपना यात्रा करना चाहता है खुला आसमान में, जहाँ पर एक रोड उसका सहारा है, मतलब रोड में वो चल चल के अपना यात्रा पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो होप आपको पोयम समझ में आएगा। अगर कोई भी पार्ट में आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।